साथ की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। क्राइम ब्रांच के सामने कल हो सकते हैं पेश। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। कई तबलीगी जमात के लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अब दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। मौलाना साद के वकील के मुताबिक मौलाना साद की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। वहीं अब मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक क्राइम ब्रांच को सफलता नहीं मिली है। इसी बीच मौलाना साद ने कहा कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह पता है कि मैं कहां पर हूं। आज तक से बातचीत में मौलाना साद ने कहा कि क्राइम ब्रांच दो नोटिस भेज चुकी है जिनका हम जवाब भी दे चुके हैं।